कैसे हो? तो आज हम पढ़ने वाले लिविंग साइंस का फोर्थ चैप्टर। ये वाली बुक निकाल लीजिए, लिविंग साइंस की फोर्थ, और हम फोर्थ चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। ओके, द राइट प्लेस टू वे। ओके, फर्स्ट, लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमन लिव्ड इन केव्स दे यूज्ड एनिमल स्किन। जब बहुत पहले इंसान होते थे, हम तो इस न्यू लाइफ में बने हैं। जब बहुत पहले होते थे, पुराने जमाने में, सुना होगा पुराने जमाने में, हम कब आए हैं? हम नए जमाने में आए हैं। पहले के लोग पुराने जमाने में रहते थे, और पुराने जमाने में उनके पास ना ही घर होता था, ना ही कपड़े होते थे। जैसे हमारे पास कपड़े होते हैं, प्रिटी प्रिटी कपड़े, उससे हम स्मार्ट भी लगते हैं, अब हमारे पास ब्यूटीफुल कपड़े होते हैं। पर जो पहले के इंसान थे, मीन्स अर्ली ह्यूमन, सुना होगा अर्ली ह्यूमन्स, अर्ली मीन्स पहले के, और ह्यूमन्स मीन्स इंसान। पहले क्या होता था, क्या होता था, लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स दे यूज्ड एनिमल स्किन लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्फ्स। जब पहले उनके पास पहनने के कपड़े नहीं होते थे, तब वो क्या यूज करते थे, एनिमल्स की स्किन यूज करते थे उसको उधेड़ के। लाइक हम कभी कभार लाइक हम गोट्स की फर यूज करते कपड़े बनाने के लिए, गोट्स की फर यूज करते कपड़े बनाने के लिए। लीव्स भी कभी कभार यूज कर लेते हैं, लाइक हम एक ड्रेस लेते हैं प्रिंटेड लीव्स, अब वो लीव्स से ही तो बनाती जाती होगी। ओके, ग्रेजुअली दे लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग वीविंग एंड स्टिचिंग क्लोथ्स। उनको पता था कि हम इन क्लोथ्स को हम सिलाई कर सकते हैं, क्लोथ्स को स्टिच कर सकते हैं, क्लोथ्स को। दिस डेज वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। इस तरह से हम बहुत सारे कपड़े पहन सकते हैं, हम स्टिच भी कर सकते हैं उनको, हम बहुत सारे कपड़े भी पहन सकते हैं। ओके, वी नीड क्लोथ्स ऑल द टाइम, क्लोथ्स फॉर होम, क्लोथ्स फॉर स्कूल, क्लोथ्स फॉर प्ले, क्लोथ्स फॉर पार्टी एंड क्लोथ्स फॉर स्लीपिंग इन। अब देखो, जब हम हमें कपड़े कहाँ कहाँ के लिए यूज चाहिए होते हैं, हमें कपड़े स्कूल के लिए चाहिए होते हैं, घर के लिए चाहिए होते होंगे। जब आप स्कूल जाते हो, तब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो। आप कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो? आपके ड्रेस से, क्लोथ से, आई कार्ड से पता चलेगा। लेकिन ड्रेस से ज़्यादा पता चलेगा, आई कार्ड तो कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन ड्रेस से ज़्यादा पता चलेगा कि कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो। यहाँ पे लिखा रहता है हम कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपकी ड्रेस में लिखा हुआ है। हम करते हैं हाईटेक वर्ड स्कूल की। ओके राधिका, हम करते हैं हाईटेक वर्ड स्कूल से बिलोंग। ओके, हम अब फिर जब हम स्कूल से छुट्टी होती है, तब हम घर जाते हैं, घर पे फिर से कपड़े पहनते हैं। स्कूल के कपड़े दिन भर तो ना पहने जाएंगे, है ना? फिर मम्मा धोने डालती हैं स्कूल के कपड़े को। क्लोथ्स फॉर प्ले, जब हम नीचे खेलने जाते हैं, हम जब हम घर पे होते हैं, घर पे हम कोई से भी कपड़े पहन लेते हैं, है ना, कोई से भी कपड़े पहन लेते हैं, सिंपल सा पहन लेते हैं, पुराना सा पहन लेते हैं। घर पे कोई आता नहीं, इसलिए पहन लेते हैं कुछ भी। लेकिन जब हम प्ले टाइम जाते हैं, तब बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहेंगे छी कैसे दिख रहे हैं, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी न्यू कपड़े बदलते हैं। लाइक दिस क्लोथ्स फॉर प्ले, है ना। और फॉर पार्टी, जब हम पार्टी में जाते हैं, हम पुराने कपड़े नहीं पहनते, ये नहीं पहन सकते। हम डालते हैं फ्रॉक्स, गाउन्स डालते हैं, सिंपल टॉप डालते हैं, टॉप गाउन, है ना, इसलिए हम पार्टी के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम स्लीप करते हैं, फिर जब हम पार्टी से आएंगे, तो हम पार्टी के कपड़े पहने रहेंगे? नो, पार्टी के कपड़े पहने रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुजली होगी, अनकंफर्टेबल फील होगा, नहीं पहन सकते। आप सोने में भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, मेकअप लगाए रखोगे मुँह गंदा होगा, कपड़े पहने रहोगे अनकंफर्टेबल फील होगा। इसलिए हम जब हम रात को आएंगे पार्टी से, तब हम क्या पहनेंगे, नाइट सूट पहनते हैं। ओके,
important to clothes are important clothes are as important to us as a house. क्लोथ्स हम हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हम घर को संभाल के रखते हैं, घर के लिए हम पैसे जोड़ते हैं कि हम घर को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे. लेकिन क्लोथ्स को, जैसे घर को हम अच्छे से संभाल के रखते हैं, अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, वैसे ही क्लोथ्स को भी हमें क्लीन करके रखना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए, एक भी कपड़ा नहीं खोना चाहिए. होता है ना, मम्मा कहती हैं, मम्मा कहती हैं उनको साफ रखना, घर को साफ रखना एंड क्लोथ्स को भी साफ रखना. ओके, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें क्यों चाहिए होते हैं क्लोथ्स? ये तो आपको जनरल नॉलेज है, ये जनरल नॉलेज में आपको पता होगा क्यों चाहिए होते हैं क्लोथ्स. सो इजी, गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. जैसे मैं अभी ये ड्रेस पहनी हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? अच्छी लग रही हूँ. वैसे जब आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो पार्टी के लिए, प्ले टाइम के लिए, घर के लिए, स्कूल के लिए, तब आप भी स्मार्ट लगते हो. अगर क्लोथ्स के बिना रहोगे तब गंदे लगोगे ना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी. ठीक है, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट. जब हम बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, किस किस से? बॉडी को हम क्लोथ्स के द्वारा, क्लोथ्स के थ्रू हम बॉडी को क्या कर सकते हैं? बॉडी को अगर जैसे यहाँ तक, जब विंटर के टाइम्स होते हैं तब हम यहाँ तक 3-4 कपड़े पहन लेते हैं. अंडरशर्ट पहनते हैं पहले तो, फिर हम पहनते हैं एक और टी शर्ट, फिर उसके ऊपर मोटा मोटा कुछ जैकेट्स वगैरह, या फिर एक और टी शर्ट, देन एक और टी शर्ट पहनते हैं. मम्मा कहती हैं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इससे तुम ये पहनो, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, इससे तुम ये पहनो, 3-4 कपड़े पहनो, लगते हैं मम्मा कहती हैं, मम्मा को चिंता होती है. वैसे ही अगर मम्मा को चिंता होती है, मतलब बहुत होती है, जब पहले के लोग होते थे तब बहुत चिंता होती थी, अब नहीं होती. क्यों? वाई? बिकॉज अब आ गए हैं हमारी प्रोटेक्ट क्लेम क्लोथ्स. जैसे हमारे प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होते हैं, लाइक हमारे प्रोटेक्ट के लिए होते हैं, लाइक हमारे प्रोटेक्ट के लिए होते हैं बहुत सारी चीज़ें. हाँ ओके गाइस, तो बाकी का लेसन हम बाद में करेंगे. ओके, फोर्थ चैप्टर आपका अभी थोड़ा और रह गया, बाद में करेंगे. ओके बाय बाय. तो अभी आप लर्न कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स के, मैं अच्छा लिखवाया तो नहीं है ना मैंने क्वेश्चन आंसर, अभी तो स्टार्ट किया है. ये वाला पैराग्राफ तक हो गया है हमारा पूरा, इसलिए करिएगा इनको लर्न, मैं पूछूंगी. ओके.